हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टू वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएनवी शेयर्स पे। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो प्लीज़ जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट। बात करें पीएनबी के साइड तो पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, एंड यहाँ पे 127.80 पे शेयर ट्रेड कर रही है। एंड आज के दिन डाउनफॉल 1.35 की डाउनफॉल होते हुए दिखी। तो पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे इस शेयर्स पे, एंड वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी तो माफ़ कीजिएगा, बट आप लोग चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बात कर ले पीएनबी, तो यहाँ पे देख लो कि क्या ऐसा फ्लो है, सब चीज़ आपके यहाँ सामने है। 1.35 का तेजी मतलब आपको वन वीक में बनते हुए दिखा है, एंड वन मंथ में अगर बात करें तो यहाँ पे 6.89% की तेजी बनते हुए दिखी है। तो मतलब सॉरी डाउनफॉल देखने को मिली है। तो क्या यहाँ पे पीएनबी पे शेयर्स बाई करना एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं, तो सबसे पहले उस चीज़ का हमें पता चलेगा। डिलीवरी भी अभी भी कोई खास नहीं है। देखो और सबके कंपैरिजन में ठीक ठाक है 39.51, बट हाँ पीएनबी में जैसा एक्सपेक्टेड है कि जिस लेवल पे ये डाउन आई है उसके अकॉर्डिंग उतनी कोई खास नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या पीएनबी में बाइंग करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो लोग ने पहले में भी बाइंग किया तो लगभग लगभग उनका जो परसेंटेज आराम से अभी जो बन रहा होगा तो वो लगभग लगभग 8.23% बनते हुए दिखा होगा। बट क्या पीएनबी अब गेम कर सकती है, डाउन आ सकती है? तो मैं आप लोगों को क्लीन एंड क्लियर चीज़ बता देता हूँ, पीएनबी फिर से चांसेस बनाएगी 120 तक का आने का, एंड 120 से लेके 122 मतलब वही रेंज में आते हुए दिख सकती है। तो अगर इस रेंज में आती है तो यहाँ पे गेम आपके हाथ में और बहुत नेक्स्ट लेवल पे मूव बन सकता है आप लोग के लिए। यहाँ पे पीएनबी अभी तो डिलीवरी कम दे रही है, मतलब हाँ ठीक है उतनी भी कोई खास नहीं है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस मतलब अभी आपको रेसिस्टेंस का एरिया आपको बनेगा 136 का, अगर आप डायरेक्टली अपर ट्रेंड के साइड ही फोकस रख रहे हो तब आपका 136 के एरिया पर रेसिस्टेंस बनेगा। एंड उस एरिया से अगर बात करें, उस एरिया से 136 से लेके 140 का एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। तो वहाँ पे तो डिलीवरी लेवल हो सके तो और कम होते हुए दिख जाए, बट टेक्निकल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी 120 है। तो ये सारे के रेंज में एक बहुत बड़ा गेम हो सकता है, एंड पीएनबी में हो सकती है प्रॉफिट आपको बनते हुए दिखे। अब थोड़ा सा ये सब तो लेटेस्ट मतलब क्लोज, जो लोग अभी रेगुलर मार्केट में फोकस कर रहे हैं उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, बट अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखें पीएनबी पहले मार्केट में 48 रुपीज़ पे, एंड लगातार जिस लेवल पे तेजी बनाई, मतलब आप देख सकते हो नवंबर सब में कहाँ 61 मतलब ये सारे एरिया पे, सितंबर में 61-60 के एरिया में ट्रेड करने वाली शेयर इतनी ऊपर चली गई है। ठीक है, ऊपर गई है अच्छी बात है। बार बार देख सकते हो यहाँ पे बार बार इस तरीके का फ्लो देखने को मिला, साइडवेज पकड़ी हुई है मार्केट। तो लगभग लगभग आपको अगर 120 पे मिले बहुत अच्छी बात है, फिर 118 सबके एरिया पे भी मिल रही है मार्केट में पीएनबी, एंड 115 तक के एरिया में मिल जाए, 120 से लेकर 115 मिल जाए बहुत अच्छा बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर शेयर गेम कर सकती है। अब पीएनबी के साइड अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पे पी देख लो स्टॉक की, तो यहाँ पे 15.5 का मेंटेन है, ROCE 5.59 का मेंटेन है, एंड ROE 8.89 का, बुक वैल्यू 93 की। तो यहाँ पे देख लो बुक वैल्यू बट फेस वैल्यू कम है। ठीक है, बुक वैल्यू सब देख के खुश हो जाएंगे क्योंकि 93 ही है सर, बहुत अच्छा है, तो हम बाइंग करना एक अच्छा टाइम है। बट उसके अकॉर्डिंग अगर यही फेस वैल्यू 5 या 10 रहता तो वैल्यू फॉर मनी हो सकती थी आप लोग के लिए। ठीक है, अब शेयर्स पे बात तो कर ली, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ और देख लेते हैं। रेवेन्यू सब के साइड एक मेजर ग्रोथ देखने को मिला जो अच्छी बात है, तो यहाँ पे बूम करते हुए दिखेगी मार्केट में। 2021 से अगर हम लोग ध्यान दें तो शेयर आप देख सकते हो, जस्ट वेट मैं आप लोग के लिए डायरेक्टली गूगल वाला ओपन करता हूँ। 2021 के एरिया में यहाँ पे देख सकते 35 सब पे शेयर ट्रेड करने वाली शेयर उस टाइम 35 पे, यहाँ पे सब चीज़ अलग ही लेवल पे फ्लो बनते हुए दिखा था, एंड यहाँ पे सिनेरियो किस लेवल पे चेंजेस होते हुए दिखे, मतलब 20 अब चेंज होके इतना ज़्यादा हो गया, एंड शेयर डबल का ट्रिपल का मतलब 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई। 35 की शेयर अब आपको 128 में मिल रही, 120 में मिल रही, तो उससे बड़ी बात क्या है। तो शेयर में एक बड़ा गेम होते हुए दिखा मार्च 2024 में, आप देख सकते हो किस लेवल तक चली गई। यहाँ पर रेवेन्यूज अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखी है मार्केट में, नेट प्रॉफिट सबके साइड भी एक मेजर फ्लो देखने को मिला है। रेवेन्यू सबके साइड बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू और मतलब ईयरली कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, तो ईयरली कंपैरिजन में भी एक मेजर जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनते हुए दिखा है इस बार, तो इस बार गेम होते हुए दिखेगा, अभी भागेगा शेयर, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी भागने का चांस बनेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 120 तक के एरिया में आपको चांस मिले तो जल्दी बाइंग कर लो।
ठीक है। रिजर्व के साइड बात करें तो अभी तक अपडेटेड हुई नहीं है, बट हाँ पहले का रिजर्व भी देखिए तो अच्छा खासा कंपनी मेंटेन की है। एंड बैंकिंग सेक्टर है तो आपको पता ही है बोरोइंग्स लेवल कमी नहीं रहेगी, बोरोइंग्स अच्छी खासी भी बढ़ते हुए दिखेगी क्योंकि उनका काम ही है लेंडिंग एंड बोरोइंग्स का। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबके माइनस में है, यहाँ पे माइनस में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ माइनस में रहती है तो ये चीज़ मैनेजमेंट पे इंडिकेट करती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट माइनस में है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे पता चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट होते हुए दिख रहे हैं, बट यहाँ पे थिंग इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी एक अच्छा मेजर तेजी बनते हुए दिखा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये शेयर ऐसा ना हो कि 220 200 पे चली जाए कि आप बाइंग ना कर पाओ, धीरे धीरे इसमें एंट्री लेते जाओ, 120 के बीच में मिले तो बहुत अच्छा ऑप्शन बनेगा आप लोग के लिए। अभी के लिए इतना ही गाइस, जल्दी जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।